निर्विघ्न कुरुमेदे सर्वकारेषु सर्वदा ॐ भूर्भुवस्वः दक्षवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। स्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो, हे स्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो। मैं गीत सुनाती हूँ संगीत की शिक्षा दो। सरगम का ज्ञान नहीं नाले का ठिकाना है, तुम्हें आज सभा में माँ हमें दर्श दिखाना है। संगीत समंदर में सुरताल हमें दे दो, हे स्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो। शक्ति ना भक्ति है, शक्ति ना भक्ति है, सेवा का ज्ञान नहीं, तुम्हें आज सुनाने को कोई सुंदर गान नहीं। गीतों के खजानों से एक गीत मुझे दे दो, हे स्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो। अज्ञान ग्रसित होकर क्या गीत सुनाऊँ मैं, टूटे हुए शब्दों से क्या स्वर को सुनाऊँ मैं। तू ज्ञान का सोत बहा माँ मुझ पे दया कर दे, हे स्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो। इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियन, ऑल इंडियन आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर। आई एम माई कंट्री, आई एम माई कंट्री, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, प्राउड ऑफ इट, रिच एंड Which I am very heritage, very heritage. I shall always scared to be worthy of it. I shall give kind to animal to my country and my people. I place my proposal. Attendees, attention, attention, attention. National anthem start. गरी मन the nation on this day. We
वी रिमेंबर दोज पीपल हु फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ अवर कंट्री। देखिए बच्चों, इंडिपेंडेंस डे को स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, ठीक है। इस दिन हमारा देश जो है 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, आपको मैं अभी बता रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना होगा। हमारा देश इस दिन आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हमारे देश आजाद हुआ था, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले पर झंडा फहराते हैं, ठीक है, और स्पीच देते हैं पूरी जनता को, पूरे भारत को, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, स्पीच देते हैं। और हम जो है उन लोगों को याद करते हैं जो अपने हमारे देश पर शहीद हो गए हैं, स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। पूरे नहीं आ रहे दीदी, दिव्या दीदी भी नाच रही है इसी गाने पे। हाँ उधर भी जा रहा है, उधर ही किया था, बारी बारी कर लिया। ओए थोड़ा धीरे धीरे करो। Okay.
हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी। जोर से मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, जल में डालो जी जाएगी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने प्रकृति तानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने प्रकृति तानी थी। पूरे भारत में भी आई नई जवानी थी, भूमि हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नारागी वह मुंह की बोली बन छबेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। परची थी त्रिपाल कटारी है उसकी सहेली थी। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाकर कहां चले, मेरे
घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर। मैम जी आप भी कुछ करिए, मैम जी कुछ सुनाइए आप भी। सुनाती हूँ आपको। जपा कर सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपा कर सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये अनमोल धन का जो बिल्ली ने खाया, पे था बस एक नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमने सुना है तुमने पापी भी तारे, पापी तो क्या जग में पत्थर भी तारे। सुखे बच्ची श्रद्धा तो आएंगे राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। मैं आपको दो चुटकुले सुनाती हूँ। दो गप्पी होते हैं, वापस में बात करते हैं, बहुत दिनों मिला होते हैं। तो एक गप्पी कहता है कि मेरे यहाँ मेरे गांव में इतनी बड़ी लगामली है जिसमें चारा खाते हैं पशु, कि उसमें पूरे आसपास गांव के 10-15-20 गांव के पशु मिलकर खाना एक साथ चारा खाते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो कहते हैं कि अरे इतनी बड़ी लगामली कैसे, कि ना बस है मेरे बाबा के गाँव में है ना। तो दूसरा कहता है कि हाँ भैया होगी, तो दूसरा कहता है कि देख मेरे बाबा के गाँव में इतना बड़ा बांस है कि खेती के लिए जब भी बारिश की जरूरत होती है ना, बांस उठाया और किया और खेत में हो गई बारिश, मैं तो पानी की जरूरत ही मैं चलाने की जरूरत ही नहीं है। तो दूसरा बड़ा होता है, अरे ये तो बहुत अच्छा है भाई, बिजली में खर्च नहीं होती। तो कहता भैया इतने लंबे बांस को तू रखता कहाँ है, तेरी लड़ामी में तो देखा नहीं, शाम करते जाता हूँ। एक हिंदुस्तानी रहता है और एक अंग्रेज रहता है, और वो हिंदुस्तानी आता है अंग्रेज की तरफ देखते देखते हुए कि ये क्या है, टाइगर पकड़े बोलता है ये क्या है। फिर वो बोलता है कि दिस इज माई बैक, दिस इज नेक, दिस इज माई नेक टाइप। और फिर हिंदुस्तानी बोलता है, अब वो हिंदुस्तानी बोलता है दिस इज माई नेक टाइप, मतलब तुम्हारी नेक टाइप। फिर वो हिंदुस्तानी जाता है तो अपनी धोती का एक कोना पकड़ लेता है, तो वो बोलता है अंग्रेज बोलता है हे यू, बोलता है दिस इज माई बैग टाइम। तीन फ्रेंड होते हैं, वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो कहते हैं कि भैया हमें चाय के बड़े शौकीन हैं हम तीनों, चलो आज कोई बात करते हैं हम। तो एक पहला कहता है कि कौन सबसे, हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि कौन सबसे तेज गर्म चाय पीता है। भैया अच्छा, पहला कहता है मैं इतनी तेज गर्म चाय पीता हूँ कि मेरी मम्मी जैसी बनाती है कप में छान के लाती है, मैं पी जाता हूँ फटाफ। तो दूसरा कहता अरे मम्मी छान के लाई तूने लिया, जब ठंडी हो गई तब तू कैसे पीता है, कि मेरी मम्मी छलनी लाती है मुँह लगा देती है और बस गमन आए तो छान देती है मैं पी लेता हूँ। तो कहता है तीसरा कहता है अरे तेरी भी ठंडी हो गई ना, छलनी यहाँ पे ऊपर से ऐसे गमन ऐसे करेंगे तो वो भी ठंडी हो गई। तो कहता है भैया तू कैसे पीता है, हमारी चाय ठंडी हो गई तू कैसे पीता है। कहते मैं क्या करता हूँ, अपने मुँह में पानी डालता हूँ, चीनी डालता हूँ, चाय की पत्ती डालता हूँ, दूध डालता हूँ और गैस पर बैठ जाता हूँ, चाय पत्ती रहती है तो पीता रहता है। ये है 30 मार्क का बेटे वाले शादी के लिए आए हैं, बेटी के लिए। तो अभी वो अपनी डिमांड रख रहे हैं कि उनको क्या क्या चाहिए। तो ये बोल रहे हैं हमें कार चाहिए, बेटे वाले कह रहे हैं कि मैं लिख रहा हूँ मुझे सारी चीज़ें बताते हैं आप। बोलो कूलर चाहिए, पंखा चाहिए और बहुत सारा 2 लाख रुपये चाहिए, गाड़ी चाहिए और मुझे सेफ चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर सोफा सेट चाहिए, सारी चीज़ चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं, और ये बोल रहे हैं हमें लैम्बोर्गिनी गाड़ी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं। फिर बेटी वाले लड़के वाले चुप हो जाते हैं, सारा लिखा देते हैं। और बेटी वाला पूछता है कि और कुछ रह गया है, और कुछ रह गया है, आपके बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ था, आपके बेटे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ था, बहुत खाया पिया होगा, हॉस्पिटल का खर्चा होगा, ये सारा जोड़ के कितना हो गया, ये सारा जोड़ के कितना हो गया, करीब हो गया 4-5 लाख। क्या अच्छा वो भी लिख लेता हूँ, वो भी लिख लेता हूँ, वो भी नोट कर लेता हूँ मैं।
ठीक है। अच्छा ये पूरा खर्चा कितना हो गया पैसा? 25-30 लाख हो गया। 25-30 लाख ठीक है, तो इतना पैसा चाहिए। अब ये बेटी वाले कहते हैं कि आप अपना अंगूठा लगाओ, इसमें लगा दो, आपने अपना लड़का मुझे बेच दिया। आपने अपना लड़का मुझे बेच दिया। और मेरी बेटी को हीरे का हार चाहिए, वो मेरी बेटी को हीरे का हार चाहिए, कितनी पड़ी लिखी है, और डायमंड वाली साड़ी चाहिए, और हेलीकॉप्टर में बैठ जाना चाहिए, और हेलीकॉप्टर में बैठ के जाना चाहिए। बैठना पसंद है उसको, उसको पसंद भी है वो। तो बेटे वाला अपना ये ऐसा क्यों बोले, अरे मैं तो 30 मार खाऊँ तो 31 निकला है ना, ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।